Hello everyone, you are welcome with Dr. Veerpal Singh in a new topic that is metal and alloy. जी हाँ, धातुएं एवं मिश्र धातुएं. आइए, before to start this topic, we just want to go through the important point which are going to discuss in detail in this lecture. These points are point to be discussed in today lecture. These points are minerals, ores, terms in metallurgy and principle of metallurgy, the important terms which are used in metallurgy. Now we go through these important terms, general principle and terms of metallurgy. धातु कर्म के सामान्य सिद्धांत और पद. जी हाँ, धातु कर्म में कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो कि विशेष रूप से डिस्कस की जाती है, विशेष रूप से इनको चर्चा की जाती है, और मेटलर्जी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जनरल सिद्धांत हैं जो कि काम आते हैं. आइए उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं. प्रकृति में अधिकांश धातु खनिजों के रूप में मिलते हैं. जी हाँ, जिन खनिजों मिनरल से धातुओं की प्राप्ति आर्थिक लाभ के साथ साथ सरलता और संभवतया आसानी से प्राप्त हो जाती है, उन्हें अयस्क कहा जाता है. जी हाँ, प्रकृति में अधिकांश धातुएं खनिजों के रूप में मिलते हैं, और जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति आर्थिक लाभ के साथ साथ सरलता और सुगमता से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उन खनिजों को हम ओर कहते हैं, अयस्क कहते हैं. अयस्क का एक रासायनिक संगठन होता है. इस रासायनिक संगठन के अतिरिक्त जो पदार्थ अयस्क के साथ पाए जाते हैं उन्हें अधात्री या गेंग कहते हैं, अशुद्धियों को. जी हाँ, धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्ति की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है. यानी कि ओर से प्योर मेटल प्राप्त करने की जो पूरी केमिकल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड धातु कर्म मेटलर्जी. धातु कर्म को समझने के हिसाब से हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन स्टेपों में हम विभक्त कर सकते हैं. इन स्टेपों को हम कहते हैं द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी. आयस का प्रसाधन और सांद्रण, ड्रेसिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर. दूसरा स्टेप है मेटल एक्सट्रैक्शन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मेटल कंपाउंड इनटू मेटल ऑक्साइड. एंड थर्ड स्टेप, दैट इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. एंड द अनदर स्टेप इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. जी हाँ, अशुद्ध जो मेटल प्राप्त हुई है उससे शुद्ध मेटल प्राप्त करने का स्टेप कहलाता है. तो आइए इन स्टेपों का एक एक करके अध्ययन करते हैं. ड्रेसिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर. इस स्टेप में हम ड्रेसिंग ऑफ ओर के बारे में अध्ययन करेंगे. अयस्क का प्रसाधन कैसे करें, अयस्क को विभिन्न भौतिक क्रियाओं द्वारा सांद्रण के लिए उपयुक्त बनाना अयस्क का प्रसाधन कहलाता है. इसमें अयस्क में उपस्थित अनचाही और बेकार वस्तुओं को, जैसे रेत, कंकड़, पत्थर आदि को पृथक कर सांद्रण के लिए उपयुक्त बनाया जाता है. इस पद में अशुद्धियों को छानकर या बीनकर पृथक कर दिया जाता है. कंसंट्रेशन और ऑफ ओर. जी हाँ, ये दूसरा स्टेप है अयस्क का सांद्रण. प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों का निष्कासन अयस्क का सांद्रण कहलाता है. ये अशुद्धियां अधात्री गैंग अशुद्धियों के रूप में होती हैं, तथा इस प्रक्रिया में अयस्क में धातु मात्रा का प्रतिशतता बढ़ाई जाती है. सांद्रण हेतु अनेक विधियां काम में ली जाती हैं, जिनका कि हम वर्णन एक एक करके यहाँ करेंगे. मुख्य रूप से कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्क के सांद्रण के लिए जो मुख्य रूप से विधियां काम में ली जाती हैं, उसमें गुरुत्वीय विधि और चुंबकीय विधि, झाग प्रलवण विधि और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, ये मुख्यतः. और पांचवी है केमिकल कंसंट्रेशन. ये चार पांच विधियां हैं जो कि हम इनका आगे अध्ययन करेंगे विस्तार से. तो पहली विधि है कंसंट्रेशन ऑफ ओर की गुरुत्वीय विधि का विधि द्वारा गुरुत्वीय विधि द्वारा जल को धोकर के उन्हें अधिक सांद्रित किया जाता है. अयस्क इसे विस्तार से अध्ययन करते हैं. अयस्क चून को विल्फी टेबल पर फैला दिया जाता है और इस पर जल की धाराएं बहाई जाती है. ये टेबल एक ओर झुकी हुई होती है और इसमें इन्हें आगे पीछे हिलाया जाता है. इस प्रक्रिया में अयस्क के भारी कण हल्के अशुद्धियों के कणों के कणों से अलग हो जाते हैं और हल्के कण जल के प्रभाव के साथ बह जाते हैं, अर्थात सांद्रित अयस्क टेबल पर रह जाता है. और विधि मुख्यतः लो हेमिटाइट
10 गोल्ड एस्कों को सांद्रित करने में काम मिली जाती है, यानी कि अशुद्धियाँ हैं वो जल हल्की होती हैं तो वो जल के साथ बह करके निकल जाती हैं और अयस्क का सांद्रण इस प्रकार हो जाता है। दूसरी विधि है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, झाग प्लवन विधि। सामान्यतः यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए काम मिली जाती है। सल्फाइड अयस्कों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सल्फाइड अयस्क के कण तेल से गीले होकर झाग बना जाते हैं तथा अशुद्धियां जल से गीली होकर बर्तन के पैने में, पात्र के पैने में बैठ जाती हैं। सबसे पहले चूर्णित सल्फाइड अयस्क को जल से भरे एक टैंक, बड़े विशाल टैंक में डाला जाता है। थोड़ी मात्रा में चीड़ या यूकेलिप्टस का तेल डाला जाता है और थोड़ा सा सोडियम एथिल जेंटेट जैनथेट मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में छिद्रों वाली नली से वायु प्रेशर के साथ भेजी जाती है, जिससे कि पदार्थ आसानी से घुल मिल जाए। वायु द्वारा मंथन होने पर जल और तेल अयस्क कणों से युक्त झाग बन जाते हैं। जैनथेट यौगिक झाग को सतह पर ले आते हैं, यहाँ से इसे अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियाँ टैंक के पैने में, यानी कि अशुद्धियाँ जो होती हैं पानी से गीली होकर के टैंक के पैने में बैठ जाती हैं। तो यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जो कि झाग प्लवन विधि में काम में लाया जाता है। यहाँ एक पात्र है, बड़ा विशाल पात्र है और इसके अंदर ये चूर्णित सल्फाइड अयस्क है और जब इसमें प्रवाह तेजी से वायु का प्रभाव किया जाता है तो ये पदार्थ जल के साथ मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। तो इससे अयस्क और जल प्लस चीड़ का तेल और सोडियम जेंथ्रेट यहाँ उसमें डाल दिए जाते हैं और ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो झाग के साथ अयस्क के कण ऊपर तैरने लग जाते हैं, इन्हें पृथक करके सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लिया जाता है। तीसरी जो विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण। चुंबकीय अयस्क का, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, चुंबकीय अयस्क का विद्युत चुंबक से पृथक कर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। चूर्णित अयस्क को एक पट्टे पर डालकर इसे विद्युत चुंबक युक्त पुली या चक्र पर घुमाया जाता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं ये दो पुलियां हैं जिन पर एक चौड़ा पट्टा लगा हुआ है और ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय पुली है और इस पर यहाँ से चूर्णित मैग्नेटिक अयस्क को डाला जाता है तो इस तरह से आगे बढ़ता है और यहाँ चुंबकीय मैग्नेटिक पुली के कारण जो चुंबकीय पदार्थ युक्त है वो इधर इकट्ठा हो जाता है और अचुंबकीय पदार्थ युक्त जो है वो इधर इकट्ठा हो जाता है। तो यह है अलग अलग चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को करने में काम आती है। अयस्क नीचे गिरते समय दो ढेरियों में बढ़ जाता है, एक में चुंबकीय पदार्थ होता है दूसरी में अचुंबकीय पदार्थ होता है। टिन के अयस्क, टिन स्टोन SNO2 को चुंबकीय अशुद्धि वाल फ्रेम से अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विधि द्वारा सांद्रण, जी हाँ इसको लिंचिंग भी कहते हैं। इस विधि से हम अयस्क को सांद्रित करने के लिए एल्यूमिनियम धातु के लिए जो अयस्क है, धातु का जो अयस्क है जिसे कि हम बॉक्साइट कहते हैं, बॉक्साइट के सांद्रण के लिए यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि को लिंचिंग भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग एल्यूमिनियम धातु के सांद्रण में किया जाता है, इसे निक्षालन या लीचिंग के भी कहते हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट दैट इज फॉर्मूला Al2O3.2H2O में आयरन, टाइटेनियम, सिलिकन के ऑक्साइडों की अशुद्धियाँ होती हैं। बॉक्साइड अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन के साथ कुछ समय तक रखकर हिलाया जाता है। बॉक्साइड बिलय होकर के सोडियम एल्यूमिनेट का बिलियन बना लेता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये मिलकर के सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। विलयन को छानकर अविलय अशुद्धियां पृथक कर दी जाती हैं तथा निश्चिंत को जल के अधिक के साथ गर्म करने पर एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट है उससे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इस अवक्षेप को सुखाकर उच्च ताप पर गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त कर लेते हैं। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, जल के साथ क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं यहाँ पर तो Al2O3 एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें सांद्रित एल्यूमिनियम का अयस्क प्राप्त हो जाता है। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, जी हाँ, चेंजिंग ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, ये जो स्टेप है इसमें हम सांद्रित अयस्क, अभी हमने 4-5 विधियों से अयस्क का सांद्रण किया और सांद्रित अयस्क को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये अगला स्टेप है मेटलर्जी का, जिसमें कि चेंजिंग ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, इस पद में सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
इस हेतु दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। पहली विधि है रोस्टिंग और दूसरी विधि है निस्तापन। तो पहली विधि जो रोस्टिंग है, भर्जन जिसको कहते हैं, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में ली जाती है। इसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप धातु, लेकिन धातु गलनांक से कम, जिस पर धातु पिघले नहीं, पर गर्म किया जाता है, जिससे धातु अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। यह कार्य परावर्तनी भट्टी में किया जाता है और इसके दौरान होने वाली रिएक्शनों को हम समझा रहे हैं। ये मेटल सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है और सल्फर डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, एक जिंक सल्फाइड का हमने एग्जाम्पल लिया है, जिंक के ओर का एग्जाम्पल लिया है, और जब ये इसका रोस्टिंग की जाती है तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरी विधि है जो मेटल ऑक्साइड में बदलने की, वो है निस्तापन, कैल्सिनेशन। यह जलयोजित ऑक्साइड कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड अयस्कों के उपयोग में ली जाती है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में मगर धातु गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। कार्बोनेट और जलीय ऑक्साइड से धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जलयोजित ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है जलयोजित, और इस पर को हम कैल्सिनेशन के द्वारा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं और स्टीम है वो निकल जा रही है। यहाँ दूसरा मेटल कार्बोनेट है, इसको गर्म कर रहे हैं तो निस्तापन कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जा रही है। यहाँ पर हम कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड का ओर लेते हैं तो यह क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेते हैं तो यह एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेटल के कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड और मेटल के कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड और जलयोजित जो अयस्क हैं, कंसांद्रित अयस्क हैं, वो किस तरीके से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिएक्शन हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अब है भर्जन और निस्तापन में अंतर। जी हाँ, भर्जन और निस्तापन जो कि मेटल सांद्रित अयस्क को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की विधियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो दोनों विधियाँ हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके डिफरेंसेस को हम यहाँ पर चर्चा विस्तार से करते हैं। तो भर्जन में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, निस्तापन में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये देखिए, वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पहला अंतर देखने को मिला है हमें भर्जन और निस्तापन में। दूसरा है अंतर है, भर्जन में सल्फाइड अयस्क को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और निस्तापन में कार्बोनेट जलयोजित ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑक्साइड है मगर सबस्ट्रेट इसमें सल्फाइड है भर्जन के अंदर, और निस्तापन में कार्बोनेट जलयोजित ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो डिफरेंस है जो देखने को मिल रहा है वो ये है, इस प्रक्रिया में अयस्क ऑक्सीकृत होते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड है और मरकरी का सल्फाइड है, दोनों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्साइड बना रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड इस प्रक्रिया में भी ऑक्साइड बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक निर्जलीकृत होते हैं तथा कार्बोनेट अपघटित होकर हो जाते हैं। इसमें मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, वो निर्जलीकृत हो रहा है, ये कार्बोनेट है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये दोनों जो रोस्टिंग और निस्तापन था उसमें क्या बेसिक डिफरेंस थे। तो ये तीन डिफरेंस हमारे सामने उभर के आए हैं जिनको हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आइए, स्मेल्टिंग अगला चरण है जो मेटलर्जी का, वो है अपचयन, यानी कि स्मेल्टिंग। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है स्मेल्टिंग। तो इसमें भर्जित और निस्तापित अयस्क से हम जो धातु ऑक्साइड बनता है उसको हम अपचयित करते हैं मेटल के अंदर। तो देखते हैं इसमें क्या विशेष हमें देखने को, इस प्रक्रिया में क्या विशेष देखने को मिलता है। भर्जित और निस्तापित अयस्क हैं, उनसे प्राप्त धातु ऑक्साइड का अपचयन प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग कहलाता है। अपचयन क्रिया में अयस्कों में कुछ ऐसे पदार्थ गालक मिला दिए जाते हैं जो अशुद्धियों के साथ संयुक्त कर कम ताप पर गलने वाले पदार्थ धातुमल में बदल जाते हैं, यानी कि गालक फ्लक्स जिसे कहते हैं, इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझा रहे हैं, ये फ्लक्स है और ये इम्प्योरिटीज़ हैं और ये हाई टेम्परेचर पर फ्यूज होती हैं, लेकिन फ्लक्स की उपस्थिति से ये इम्प्योरिटीज़ कंबाइन होकर के फ्यूजिबल इम्प्योरिटी में, जिसे स्लैग कहते हैं, धातुमल में बदल दी जाती हैं। धातु यौगिकों का अपचयन
कई विधियों से किया जाता है, यानी कि स्मेल्टिंग की जो प्रक्रिया है उसकी कई सारी विधियां काम में ली जाती हैं। डिपेंड करता है कि वो धातु जिसका कि हमें मेटलर्जी कर रहे हैं वो किस प्रकार की है। कार्बन द्वारा अपचयन, कुछ धातु ऑक्साइडों को कोक के साथ मिलाकर बात्याभट्टी में अपचित किया जाता है। उदाहरण के लिए फेरिक ऑक्साइड को हम कोक कार्बन के साथ अपचित करके आयरन में बदल देते हैं। टिन ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को भी हम उनकी धातुओं में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी जो प्रगलन की विधि है वो है सक्रिय धातुओं द्वारा अपचयन, रिडक्शन बाई रिएक्टिव मेटल्स। धातु ऑक्साइडों का अपचयन कार्बन द्वारा सफलतापूर्वक नहीं होता है तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी सक्रिय धातुओं द्वारा अपचयन कराया जाता है। जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड है उसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हैं तो क्रोमियम प्रिसिपिटेट हो अवक्षेपित हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यहाँ टाइटेनियम क्लोराइड है जिसको मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ टाइटेनियम मेटल है वो रिड्यूस होकर के प्राप्त हो जाती है। आइए प्रगलन की और अन्य विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड ऑफ रिडक्शन। तो देखते हैं इस विधि में क्या होता है। उच्च धन विद्युत धातुओं की अयस्कों को गर्म कर पिघलाकर वैद्युत अपघटन करते हैं। गलित अयस्क, गलित मेटल ऑक्साइड जो है विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है तथा शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। देखते हैं यहाँ एल्यूमिनियम मेटल है उसका रिडक्शन होकर एल्यूमिनियम बन रहा है, मैग्नीशियम का रिडक्शन होकर मैग्नीशियम और सोडियम का रिडक्शन होकर सोडियम, यानी कि ब्रायन के रिडक्शन से सोडियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन से एल्यूमिनियम प्राप्त हो रहे हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ स्मेल्टिंग है ऑटो रिडक्शन, यहाँ पर कॉपर मेटल है उसका सल्फाइड ऑटो रिडक्शन, कॉपर मेटल ही कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों रिएक्शन करते हैं और कॉपर प्राप्त हो जाता है। वायु द्वारा अपचयन, यानी कि रिडक्शन बाई ऑक्सीजन, वायु प्रवाहित करने पर पारे का सल्फाइड अयस्क का वर्जन होने के बाद धातु प्राप्त हो जाता है। ये मरकरी सल्फाइड है और इसका वायु द्वारा ऑक्सीडाइज करने पर मरकरी प्राप्त हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। अगला स्टेप ऑफ स्मेल्टिंग है, अगली विधि है वो है धातु विस्थापन द्वारा, यानी कि मेटल डिस्प्लेसमेंट। अधिक धन विद्युत धातुओं द्वारा कम धन विद्युत धातु लवणों के विलयन का अपचयन कर उसे अवक्षेपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम साइनो अर्जेंटियम, यानी कि सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है उसका सोडियम साल्ट है, जब उसमें हम सॉल्यूशन में जिंक मेटल डालते हैं तो इसमें सिल्वर अवक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन का चून डालते हैं तो कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विधियां स्मेल्टिंग में काम आने वाली विधियां हैं। धातु का शुद्धिकरण, यानी कि अशुद्ध धातु प्राप्त होने के बाद अगला जो स्टेप है मेटलर्जी का वो है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जी हाँ, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रगलन से प्राप्त धातु में कुछ मात्रा में अशुद्धियां रह जाती हैं, जैसे धातु मल, अन्य तत्व जैसे कार्बन, फास्फोरस, सिलिकन, इन अशुद्धियों को निम्न विधियों द्वारा शुद्ध कर, इन विधियों अपना करके धातु को शुद्ध कर लिया जाता है। यह शुद्ध करने की किस विधि का उपयोग करना है यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। डिस्टिलेशन, इस विधि द्वारा डिस्टिलेशन मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इस विधि में वे धातुएं जिनका क्वथनांक कम होता है जिनका शुद्धिकरण आसवन द्वारा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए पारा और जस्ता। लिक्विफिकेशन मेथड, इस विधि में वे धातु जिनका गलनांक कम होता है उनका शुद्धिकरण यानी कि लिक्विफिकेशन द्वारा कर दिया जाता है, उदाहरण के लिए टिन है। ऑक्सीकरण विधि, धातु में उपस्थित अशुद्धियां जिनकी तुलना में शीघ्र आकर्षित होने वाली होती हैं तो वायु की उपस्थिति में अशुद्धियां आकर्षित होकर धातुमल के रूप में सतह पर आ जाती हैं जिसे अलग कर लिया जाता है। तो ये है मरकरी जो मेटल है उसको इस विधि से अलग कर लिया जाता है। ऊर्ध्वपातन सोलिमेशन, कम क्वथनांक वाले धातुओं का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है, जैसे जिंक और कैडमियम धातु हैं जिनका की शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन द्वारा करते हैं। पांचवी जो विधि है वो है वाष्पीकरण यौगिक बनाकर, वाष्पीकृत यौगिक बनाकर या वोलेटाइल कंपाउंड बनाकर निकिल धातु को उनके वाष्पशील यौगिक निकिल कार्बोनिल में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस धातु यौगिक को गर्म करने पर
शुद्ध निकल प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग होकर निकल जाती है। इस विधि को मांड प्रोसेस भी कहते हैं। विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत सेल में अशुद्ध धातु की क्षण को एनोड और शुद्ध धातु की क्षण को कैथोड बनाया जाता है। इसमें उसी धातु का लवण विलयन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धातु के लवण का विलयन अपघट्टी के रूप में काम करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अशुद्ध धातु का एनोड धीरे धीरे विलोपित होकर घुलता जाता है और शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती जाती है और अशुद्धियाँ एनोड मड के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। और इस विधि का उपयोग कॉपर और लेड पीवी के शुद्धिकरण के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर को आज विस्तार से अध्ययन किया। आइए लेक्चर को क्लोज करने से पहले हम चाहेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए उनको एक बार से पुनर्रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने मिनरल्स की डेफिनेशंस देखी, ओर की डेफिनेशंस देखी, पढ़ी विस्तार से और उनके एग्जांपल्स कोट करके देखा हमने, और हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि मेटलर्जी के स्टेप्स में इस्तेमाल होती थी उनको हमने गैंग है, फ्लक्स है, स्लैग है, इनके बारे में अध्ययन किया। और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी हमने उनका स्टडी किया, एग्जाम्पल के साथ कोट किया और प्रत्येक स्टेप में काम में आने वाली विधियों का भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमने आज के इस चैप्टर में विस्तार से मिनरल मेटल एंड एलॉय में काम आने वाले विभिन्न प्रिंसिपल्स और टर्म्स का और डेफिनेशंस का हमने और टेक्निक्स का हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो आइए हम इस चैप्टर को क्लोज करें। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपको याद दिला दें कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट्स नेम इज़ डॉक्टर वीरपाल सिंह। Thank you very much.